नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उत्तर सर्किट टीवी, द बॉन्ग गाय फ्रॉम त्रिपुरा। दोस्तों, जब जब भी आप रॉड यानी कि सरिया खरीदने के लिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर किसी सप्लायर के पास जाते हो, तो अगर आप प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे कि टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, सेल हो गया, श्याम स्टील हो गया, ऐसे प्राइमरी प्रोड्यूसर का रॉड खरीदने के लिए जाते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सप्लायर आपको पर केजी रेट नहीं बताता, पर केजी प्राइस नहीं बताता, पर पीस बताता है। जैसे कि 8 mm का प्राइस है ये, 12 mm का प्राइस है ये, 10 mm का प्राइस है ये, 16 mm का प्राइस है ये, ऐसे बताता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सप्लायर आपको पर पीस प्राइस ही बताए, लेकिन आप खुद से ही पर केजी का प्राइस निकाल सकते हो। बहुत ही इजी है दोस्तों, सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फिर आसान भाषा में समझाऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखना दोस्तों, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, फॉर्मूला है डी स्क्वायर बाई 162 × 12, ठीक है, जिसमें डी है रॉड का साइज। मतलब अगर 16 mm रॉड है तो डी मतलब 16, 10 mm रॉड है तो डी मतलब 10, 8 mm रॉड है डी मतलब 8। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके दोस्तों मैं 8 से 16 mm तक रॉड के पर पीस का जो वेट है वो निकाल के दिखाऊंगा, फिर प्राइस भी निकाल के दिखाऊंगा, पर केजी का प्राइस भी निकाल के दिखाऊंगा। तो 8 mm का वेट होगा 8 × 8 / 162 × 12, मतलब 4.71। तो ऑलमोस्ट 4.5 kg, 4.5 kg से थोड़ा ज्यादा है। ऐसे ही 10 mm का वेट होगा 10 × 10 / 162 × 12, मतलब 7.41, जो कि 7.5 kg से थोड़ा ज्यादा है। और लाइकवाइज 12 mm का वेट होगा, 12 mm एक पीस का वेट होगा 12 × 12 / 162 × 12, मतलब 10.67, मतलब 10.5 kg से थोड़ा सा ज्यादा। और ऐसे ही 16 mm का वेट होगा 16 × 16 / 162 ×12, मतलब 18.963, मतलब ऑलमोस्ट 19 kg है 16 mm एक पीस का वेट, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप 20 mm, 25 mm, 32 mm, जितने भी साइज है कोई मैटर नहीं करता, हर साइज का रॉड का वेट आप निकाल सकते हो। यहाँ पर हमने 12 से गुना किया है, ये 12 मतलब है एक पीस का जो लेंथ है वो 12 मीटर है, इसलिए हमने 12 से गुना किया है, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपको एक पीस रॉड का जो वेट है वो भी पता है, और प्राइस तो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सप्लायर आपको बता ही देगा एक पीस का। तो इससे आप पर केजी का जो प्राइस है, एक केजी का प्राइस आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि जो 16 mm रॉड है उसका अभी फिलहाल जो प्राइस है एक पीस का वो है 1300, मतलब 1300 रुपए। तो अभी 16 mm का जो वेट है, पर पीस का जो वेट है वो मैंने अभी आपको निकाल के दिखा है, वो 18.963। तो जो एक केजी का जो प्राइस है, रेट है, वो कैसे निकालोगे? 1300 / 18.963, पर पीस का जो प्राइस है उसको पर पीस का जो वेट है उससे डिवाइड करना है। तो पर पीस का प्राइस है 1300 रुपए और पर पीस का वेट है 18.963, मतलब 1300 / 18.963 तो आ गया 68.55, मतलब 68 रुपए 55 पैसे दोस्तों। तो ये मैंने एग्जांपल दिखा है, एग्जैक्ट 1300 ही होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये रॉड के ब्रांड के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, मतलब जो प्रोड्यूसर ब्रांड है उसके ऊपर डिपेंड करता है और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अब सिर्फ टाटा रॉड ही पकड़ लो, तो टाटा रॉड का अगर त्रिपुरा में जो प्राइस है वो दिल्ली में सेम प्राइस नहीं होगा। त्रिपुरा में अभी 1500 से ऊपर चल रहा है 16 mm का प्राइस, तो कई कई जगह 1300 / 1200 भी है। तो ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाया, तो यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ मुझे शेयर करना था दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे फ्यूचर में और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।